नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम भारत पर नादिर शाह के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। नादिर शाह तुर्क था जिसने अपनी योग्यता से 1736 ईस्वी में फारस के राज्य पर अधिकार कर लिया था। 1736 ईस्वी में नादिर शाह ने ईरान अर्थात पर्शिया पर अधिकार किया और अफगानों को वहाँ से निकाल दिया। अफगानों की शक्ति को पूर्णतया नष्ट करने के लिए उसने 1738 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। उसके पश्चात उसने अफगानिस्तान और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। नादिर शाह चूँकि महत्वाकांक्षी था, अतः उसने देखा कि मुगल बादशाह अपनी सीमाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस कारण भारत पर आक्रमण करके यहाँ से धन लूटना उसके आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य बन गया। कंधार को जीतकर उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। मुगल सूबेदार नासिर खान को मुगल दरबार से कोई सहायता नहीं मिली। वह वहां से भाग खड़ा हुआ तथा नादिर शाह ने सरलता से अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने पेशावर के मार्ग से पंजाब में प्रवेश किया। पंजाब के सूबेदार जकारिया खान को भी मुगल दरबार से कोई सहायता नहीं मिली और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को होश आया और वह अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा। नादिर शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध हुआ। युद्ध में मोहम्मद शाह और निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में मुगल सेना ने कोई भाग नहीं लिया। केवल सादत खान खाने दौरान और नासिर मुहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना के थोड़े भाग ने युद्ध में भाग लिया। उसकी पराजय हुई। इसके पश्चात संधि की बातचीत हुई और नादिर शाह 2 करोड़ रुपया लेकर वापस लौटने के लिए राजी हो गया। युद्ध में खाने दौरान की मृत्यु हो गई थी, अतः बादशाह ने मीर बख्शी के पद पर निजाम उल मुल्क की नियुक्ति कर दी। इससे सादत खान असंतुष्ट हो गया क्योंकि वह स्वयं इस पद को प्राप्त करने का इच्छुक था। अतः उसने नादिर शाह को दिल्ली जाने की सलाह दी। नादिर शाह ने बादशाह मोहम्मद शाह और निजाम उल मुल्क को कैद कर लिया तथा दिल्ली पहुंचने का निश्चय किया। मोहम्मद शाह को उसकी बात माननी पड़ी। 20 मार्च को नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया जहां मोहम्मद शाह ने उसका स्वागत किया। बाईस मार्च को दिल्ली में दंगा हो गया और कुछ ईरानी सैनिक मारे गए। इससे असंतुष्ट होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दिया। प्रायः 8 घंटे दिल्ली में कत्लेआम होता रहा तथा 30,000 व्यक्ति मारे गए। अनेक स्थानों में आग लगाई गई और प्रत्येक स्थान पर लूटमार की गई। 15 मई तक नादिर शाह दिल्ली में रहा। उसके पश्चात लूट में एकत्रित किए गए धन तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, हजारों दास दासी, हाथी, घोड़े, ऊंट, कारीगर आदि को लेकर नादिर शाह वापस लौट गया। उसने अफगानिस्तान, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब और सिंध को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त पंजाब के सूबेदार जकारिया खान ने उसके आधिपत्य को स्वीकार करके 20 लाख रुपया प्रतिवर्ष उसे देना स्वीकार किया। इस प्रकार से नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को न केवल आर्थिक दृष्टि से दुर्बल किया अपितु तो उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति को भी नष्ट कर दिया। निसंदेह इस आक्रमण ने भारतीयों में यह भाव उत्पन्न किया कि विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए मुगल बादशाह के नेतृत्व में संगठित केंद्रीय सत्ता को बनाए रखना आवश्यक है, जिसके कारण किसी ने भी यहाँ तक कि सैनिक दृष्टि से सर्वशक्तिमान
बन जाने के पश्चात मराठों ने भी मुगल बादशाह को सिंहासन से हटाने का प्रयत्न नहीं किया। परंतु मुगल बादशाह की दुर्बल स्थिति से सभी भारतीय शक्तियां परिचित हो गईं, जिससे क्षेत्रीय स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बलवती हुई और मुगल साम्राज्य का वस्तुतः विघटन आरंभ हुआ। इस प्रकार से 1707 से 1740 ईस्वी के विघटन के मध्य के समय की कुछ प्रमुख विशेषताएं रहीं। इस समय में राज्य के अमीरों में गुटबंदी हुई। इस गुटबंदी का आधार धर्म, जाति, भारतीय अथवा विदेशी होना न था। यद्यपि समय समय पर विभिन्न गुटों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन तत्वों की सहायता अवश्य ली। अमीरों की गुटबंदी का मुख्य आधार राजनीतिक तथा आर्थिक था। बादशाहों की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाकर राज्य के प्रमुख अमीरों ने वजीर और मीर बख्शी के पदों को प्राप्त करने के लिए गुटबंदियां की, क्योंकि राज्य की शक्ति मुख्यतः जागीरों को वितरित करने की शक्ति बादशाह के पश्चात इन पदों को प्राप्त करने वाले अमीरों के हाथों में थी। इस समय की एक अन्य विशेषता औरंगजेब की अनुदार नीति का त्याग था। बादशाह जहांदर शाह के समय में ही जजिया को हटा दिया गया और सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर के समय में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। यद्यपि समय समय पर अनुदार वर्ग ने इन परिवर्तनों का विरोध किया, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से सभी ने इन परिवर्तनों को स्वीकार किया और सभी बादशाहों एवं गुटों ने जाटों, राजपूतों तथा मराठों के प्रति समझौते की नीति का पालन किया। इस समय में राजपूत राज्य मुगल दरबार के प्रति निष्ठावान न रहे, बल्कि वे प्रायः स्वतंत्र राज्य बन गए। परंतु उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया, वरन आंतरिक संघर्षों में फंसकर अपने को दुर्बल बना लिया, जिसके कारण मराठों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। इसके पश्चात वे भारतीय राजनीति में कभी भी प्रभावशाली न बन सके। अमीरों की गुटबंदी और बादशाहों की दुर्बलता के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ और विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। इस समय में हैदराबाद, बंगाल और अवध के प्राय स्वतंत्र राज्यों का ही निर्माण हुआ। राजपूत राज्य तथा ये सभी राज्य यद्यपि कानूनी रूप से मुगल बादशाह को अपना सार्वभौमिक बादशाह मानते रहे, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से प्राय स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार यह समय ऐसा रहा जिसमें वस्तुतः मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ मराठों ने उठाया। बहुत शीघ्र ही मराठे भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गए। 1740 ईस्वी तक ही वस्तुतः स्थिति यह बन गई कि मुगल बादशाह नाम मात्र के लिए भारत का बादशाह रह गया। मुगल साम्राज्य के अवशेषों से विभिन्न स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ, जिनमें सर्वप्रथम स्थान मराठों ने प्राप्त किया। परंतु इसी समय में भारत पर विदेशी आक्रमण आरंभ हुए। प्रथम आक्रमण नादिर शाह ने किया। उसके सफल आक्रमण ने अहमद शाह अब्दाली के निरंतर आक्रमणों के लिए मार्ग खोल दिया। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह 1748 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना। वह विलासी और अयोग्य था। उसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने, जो नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात अफगानिस्तान का शासक बन गया था, अपने दूसरे और तीसरे आक्रमण में मुल्तान और पंजाब को जीतने में सफलता पाई। उसके समय में मराठे दिल्ली की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होकर प्रभावपूर्ण बन गए। भरतपुर के राजा सूरजमल को भी दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात
आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह बना। वह 55 वर्ष की आयु में शासक बना था। वह भी अयोग्य था। उसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने अपने चौथे आक्रमण में दिल्ली में प्रवेश किया और वहां पर लूटमार की। आलमगीर की हत्या उसके वजीर इमाद उल मुल्क ने 1758 ईस्वी में करा दी और शाहजहां तृतीय को बादशाह बनाया 1758-59 ईस्वी में। उसने केवल एक वर्ष शासन किया। 1759 ईस्वी में आलमगीर के पुत्र अली गोहर ने बिहार में अपने को शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह घोषित किया। यद्यपि वह वर्षों तक दिल्ली नहीं आ सका। 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में वह दिल्ली पहुंचा। उसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। शाह आलम के पश्चात क्रमशः अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह हुए। अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया तथा मुगल साम्राज्य कानूनी तरीके से भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व के अभाव में बाहरी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला और वह इस नीति में कामयाब हुए। धन्यवाद।